तो ये जगह स्वर्ग जैसी थी। पुरानी दिल्ली की गलियां घूमें तो उन गलियों का जिक्र कैसे छोड़ा जा सकता है जो सिर्फ अपने लजीज पकवानों के लिए जानी जाती हैं। गली पराठे वाली, यहाँ की महक ही ऐसी है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन दिल नहीं भरता। ये गली पहले दरीबा खुर्द कहलाती थी, ये पुरानी बात है। अब तो यहाँ के पराठों ने इतनी शोहरत कमाई है कि ये गली पुरानी दिल्ली की पहचान बन चुकी है। हमने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से जो जाना कि ये गली पराठे वाली है और पराठे वाले के नाम से ही बहुत मशहूर है। और इस गली में ऐसे बहुत सारे सीनियर पर्सनालिटी जैसे प्राइम मिनिस्टर, फिल्म स्टार, बड़े बड़े ऐसे दिग्गज पर्सनालिटी और आज भी यहाँ पर इसको इसी गली के नाम से जानते हैं। और अभी तक जितना भी हमने रिसर्च की है गली पराठे वाले के नाम से ही इस गली को पहचाना जाता है। एक पुराना नाम है जिसको आज इतने लोग ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन आज ये गली पराठे वाले के नाम से बहुत बहुत ज्यादा मशहूर है। इस गली में पराठे वालों की 13 दुकानें हुआ करती थी, लेकिन कंपटीशन भी क्या चीज है। अब सिर्फ 3 दुकानें बची हैं, बाकी दुकानों की जगह कपड़े की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन नाम वही है, गली पराठे वाली। जहां गली पराठे वाली शाकाहारी लोगों की पसंद है, वहीं कबाब के शौकीनों का मजमा लगता है गली कबाबियान में। गली कबाबियान अब करीम होटल के नाम से जानी जाती है। करीम होटल के कबाब इतने मशहूर हैं कि होटल चाहे कुछ घंटे ही खुले, लोगों की भीड़ रहती है। करीम होटल खुलने से पहले यहाँ कसाई रहते थे, ये गोश्त बेचते थे। गली कबाबियान में कबाब पहली बार करीम होटल में ही बिके और दुकान ऐसी चली कि अब पूरी दिल्ली में मशहूर है। कुछ गलियों के नाम नए, कुछ पुराने, कुछ किस्से नए, कुछ पुराने। पुरानी दिल्ली की इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने में लगे टैलेंट ग्रुप की कोशिश से शायद पीढ़ी दर पीढ़ी लुप्त होती ये कहानियाँ और किस्से हमारे पास रह जाएं। दिव्या, चैनल 7, जिंदगी लाइव। बनी मारान से दरी बेतलक। उम्मीद है पुरानी दिल्ली के इस दिलचस्प सफर में आपको बहुत मजा आया होगा। 7 स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन चैनल 7 पर चलती रहेगी जिंदगी लाइव।